यह तस्वीरां लहरा गागा दे पिंड लदाल दियां ने जिथे प्रशासनिक अधिकारी पिंड डस्का च झोने की फसल की पराली नूं अग लगन दे मामले च मामला दर्ज करन आए जिस की भनक किसानां नूं लगी तो जदों वापस जाण लगे तो किसानां ने उन्हां नूं पिंड दे विच घेर लिया। इन्हां प्रशासनिक अधिकारियों दे विच तहसीलदार नायब तहसीलदार ते पुलिस अधिकारी सन जिन्हां नूं पिंड दी धर्मशाला दे विच बंधक बना लिया गया। उत्थे किसानां दा कहना है कि जदों तक उन्हां ते दर्ज किए गए मामले रद्द नहीं किए जाते उदों तक इन्हां नूं नहीं छड्डिया जाएगा। यह साढ़े तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार ये डसके गए थे साढ़े किसी किसान ने रहन खूंद अग लाई थी तो उन्होंने उतों फड़ के परचा लेके इधर जा रहे थे साढ़े जोड़े किसान थे इधरों मोर्चे चो डेरे तो आ रहे थे इसे असी इन्हों का अपना रमदासी थाई 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 धर्मशाला चाहना घरा कर रहा है यह घरा उन्ना चर चलूगा जिन्ना चर ये परचे नहीं रद्द करते जा फिर साढ़े तो कोई लाठीचार्ज नहीं करते। घराओ किता है क्यों किया की कारण तहसीलदार साहब आए थे पिंड डसके च उन्हां किसानां ने अपने रहिंद खुंद नूं अग लाई है पर जिहड़ा सरकार नूं हाई कोर्ट ने कहा सी वी किसानां नूं 200 रुपए क्वांटल जिहड़ा उहदा मुआवजा दिता जाए पर हाई कोर्ट दी हदायतां पंजाब सरकार ने की मन्नणे सी उल्टा किसानां ते परचे दर्ज करन तहसीलदार पटवारी इन्हां दा लोंगोलाना आ गया। उस गल चों असीं तहसीलदार साहब दा घरोह कीते असीं मंग करदे आ वी जिहड़ी पिछले साल लोकां ने जिहड़ी बिना अगलाए बीजी है बड़े नुकसान हुए है फसलां तबाह हुई ने उन्होंने मुआवजा नहीं दिता जिहड़ा 200 रुपया क्वांटल सरकार मंगनी है उदों कैप्टन सरकार ने हाई कोर्ट च कहा भी साढ़े खजाने 900 करोड़ रुपया पे है वह किसानों वास्ते रखे है पर सानू हुण तक समझ नहीं आई भी वह किहड़े किसानों नूं दिता जदों असीं पिंडां च जीरो ग्राउंड ते गल करदे आं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਲ ਦੇਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ ਉਲਟਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਲਦਾਲ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।